हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं टोयोटा के एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की कि कैसे वो दो ब्रांड्स सिमिलर प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करता है। एंड साथ ही साथ बात करेंगे कंपैरिजन की कि टोयोटा की जो खुद की कैमरी है वर्सेस इसकी जो प्रीमियम लाइनअप आती है लेक्सस की ES 300H, इसमें क्या डिफरेंसेस है कॉस्मेटिकली। क्योंकि जो अगर टेक्निकली हम बात करें, मैकेनिकली दोनों गाड़ियां सेम है, सेम ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड आती है, सेम इंजन शेयर करती है। जो है डिफरेंस वो इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में है एंड फीचर्स में। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो इसके प्राइस में है। जो कैमरी की प्राइस है उससे ये लगभग डबल प्राइस में आती है एक्स शोरूम। तो पूरे डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। मेरा नाम मोहित बलानी, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है आपके सामने कैमरी एंड लेक्सस की ES 300H। ये टोयोटा के ग्लोबल KGA के प्लेटफॉर्म शेयर करती है। तो दोनों जो ये प्लेटफॉर्म है ये हाइब्रिड पेट्रोल फोर व्हील ड्राइव के लिए इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें जो फ्रंट व्हील्स हैं ये आपके पावर होते हैं वाया मोटर। जो इंजन है पेट्रोल इंजन वो सिर्फ एक रेंज एक्सटेंडर का काम करता है। तो जो पेट्रोल है उससे आपकी इंजन पावर होती है एंड उससे बैटरी चार्ज होते हैं एंड बैटरी से मोटर ड्रिवन है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ जो है हाइब्रिड कहलाती है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप के साथ आता है। बाकी डिमेंशन वाइज बात करें तो गाड़ियों की चौड़ाई सेम है, लंबाई सेम है एज इट इज़, लेकिन डिज़ाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो कैमरी है ये थोड़ा सा सटल एंड स्लीकर लुक के जैसी दिखती है। एंड ये जो है लेक्सस, ये इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी रेडिकल, काफ़ी सेंशुअस, एक तरह से बहुत स्पोर्टी टाइप की डिज़ाइन बनाती है। एंड फ्रंट में अगर आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का फेमिलियर टोयोटा का लुक है यहाँ पर। एंड टोयोटा के बैच के अंदर आप देख सकते हैं ब्लू लिट LED है, जो ये सिग्निफाई करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। बाकी ऑल LED हेडलैम्प्स एंड DRLs आते हैं इसमें। नीचे फॉग लैम्प्स है, ये भी ऑल LED है। यहाँ पर क्रोम सराउंड है, काफ़ी मैसिव इसका रेडिएटर ग्रिल है। एंड कंपेयर्ड टू दैट अगर लेक्सस की हम बात करें तो ये है कुछ इस तरीके से लेक्सस का लुक। लेक्सस की सिग्नेचर ग्रिल है यहाँ पर जो हेक्सागोनल शेप की है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कोई फॉग लैम्प्स नहीं आते, क्रोम सराउंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पोर्टी ग्रिल है। एंड ऑल LED यहाँ पर भी हेडलैम्प्स एंड DRL आ जाते हैं। टोयोटा का जो है उसमें बेसिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इसमें रिफ्लेक्टर LEDs हैं लेकिन ट्राईपॉड डिज़ाइन के साथ है। एंड साइड्स प्रोफाइल की अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही कार्स बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक है। सामने से इनका जो फ्रंट फेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है इसका फुटप्रिंट, एंड काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। एंड पीछे की तरफ भी ये टेपर ऑफ होती है। बाकी साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत आपको सिमिलैरिटी दिख सकती है बिटवीन द कैमरी एंड द लेक्सस, बिकॉज साइड प्रोफाइल्स में कुछ पैनल्स हैं ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं वो शेयर करती है। सो अगर डिटेल में हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर की डिज़ाइन दोनों की अप्रोच कैसी डिफरेंट है। यहाँ पर रेडिकल स्पोर्टी डिज़ाइन एंड यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिंपल डिज़ाइन, दोनों में ही पर LED DRLs आ जाते हैं। एंड जो पैनल्स की मैं बात कर रहा था, जो ये दोनों गाड़ियाँ साइड प्रोफाइल में शेयर करती है वो है इनका रियर क्वार्टर पैनल। तो ये आप देख रहे हैं रूफ से इंटीग्रेटेड पैनल है जिसमें ये टेल लैम्प जो रैप अराउंड टेल लैम्प्स हैं ऐड होते हैं। ये आप एक बार लेक्सस का देखिए, सेम वही एग्जैक्ट पैनल रैप अराउंड टेल लैम्प्स, लेकिन डिज़ाइन पूरी अलग है। सो अगर रेयर में कंपैरिजन करें तो इसका थोड़ा सा सिंपल लुक है विदाउट एनी स्पॉइलर। ऑल LED सेटअप ज़रूर है पर लुक जो है काफ़ी सिंपल। नीचे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, सेंटर में क्रोम पीस आ जाता है एंड टोयोटा का ब्लू लोगो। एंड ये वाली जो बूट है ये आपकी मैनुअल बूट है, पावर असिस्टेड नहीं है। बूट स्पेस जो है एग्जैक्टली सेम है दोनों ही गाड़ी की, काफ़ी मैसिव यहाँ पर बूट मिल जाता है जिसकी चौड़ाई और लंबाई काफ़ी अच्छी है। नीचे यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील के लिए टूल्स एंड स्पेयर व्हील भी काफ़ी अच्छी तरीके से कवर्ड है जो आप देख सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपको मैनुअल बूट है। अगर इसको हम कंपेयर करें लेक्सस के साथ तो लेक्सस में यहाँ पर आपको पावर टेलगेट आ जाता है। सो ये है इसका पावर्ड बूट। सो सेम बूट स्पेस जैसे कि मैंने बताया। एंड ये भी आप नोटिस करेंगे कि सिमिलर जो है ये कवर बनाया है फॉर द स्पेयर व्हील एंड नीचे का भी जो टूल्स की प्लेसमेंट है एग्जैक्टली सेम है। सो जैसे कि हम पावर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप देखें कैमरी में कोई स्विच नहीं, यहाँ पर आपको पावर शर्ट मिलता है फॉर द बूट। सो ये एक डिफरेंस था। एंड पीछे यहाँ पर आपको स्पॉइलर आ जाता है, ये डिफरेंस है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लैम्प्स ऑल LED सेटअप के साथ एंड इसका जो स्पोर्टी अप्रोच है। नीचे की तरफ बम्पर की भी डिज़ाइन काफ़ी एग्रेसिव है एंड यहाँ पर कैमरी की आप देख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिंपल अप्रोच रखी हुई है।
सो अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। दोनों ही कार्स में आपको रियर डोर पर सनशेड मिल जाते हैं। पहले कैमरी दिखाता हूँ आपको। सो कैमरी का जो इंटीरियर है, यहाँ पर आपको आइवरी बेज एंड ब्लैक का थीम फॉलो किया जाता है। सॉफ्ट टच मिल जाता है डोर्स पर, एंड यहाँ पर आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश आ जाती है। कुछ इस तरीके से इसकी इंटीरियर सीट्स हैं। ये है इसका सेंट्रल आर्मरेस्ट विथ कंट्रोल पैनल। सो यहाँ पर आप म्यूज़िक के कंट्रोल कर सकते हैं एंड रियर के लिए एसी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑल एलईडी टच के साथ आता है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कप होल्डर्स, एंड यहाँ से आपको बूट एक्सेस मिल जाता है थ्रू द केबिन। सो थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं। एंड इसका जो रियर विंडशील्ड है, यहाँ पर भी आपको एक सनशेड मिल जाता है पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं। वो भी आप पावर की वजह से, पावर से कर सकते हैं थ्रू दिस पैनल। बाकी जो साइड के शेड्स हैं, ये मैनुअली ऑपरेटेड हैं, इनको आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी सीट्स की बात करें, काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक दोस्तों लेदर पैडेड मिला है। काफ़ी अच्छा यहाँ सपोर्ट है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। सेंटर में बस ये एक हम्प आ जाता है बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम। बाकी रेयर में एसी वेंट्स, एंड यहाँ पर भी आपको बॉस मोड मिल जाता है, ताकि यहाँ पे कार के अगर ओनर बैठे हैं तो वो यहीं से ये वाली फ्रंट वाली सीट जो है इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सके, रिक्लाइन सेट कर सके। एंड यहाँ ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, सनरूफ है सेम साइज़ की दोनों ही कार्स में, ऊपर से आप देख सकते हैं। एंड अब चलते हैं लेक्सस की रियर सीट्स में। सो कुछ इस तरीके से लेक्सस का इंटीरियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैन ब्राउन कलर का इंटीरियर थीम फॉलो किया गया है विथ ब्लैक कलर्स। एंड डोर आपने उसका देखा था सॉर्ट ऑफ बेसिक था, यहाँ पर आप देखिए कितने मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर वुडन फिनिश एंड ये ऑल लेदर पैडेड है सॉफ्ट टच टिल दी एजेस। तो आप ये नोटिस कीजिए लेक्सस में यहाँ पर कितना अटेंशन टू डिटेल है, यहाँ से लेके ऑल ऑफ दिस इज सॉफ्ट टच। सनशेड यहाँ पर भी मैनुअल है, एंड यहाँ पर भी पूरा सॉफ्ट टच आ जाता है। ये भी ऑल लेदर पैडेड है, एंड ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश। एंड इसकी डिज़ाइन देखिए गाइस, क्या स्मूथ डिज़ाइन बनाई गई है, एंड कितना सीमलेसली ये इंटीग्रेट है। कहीं पर यहाँ पे टच नहीं हो रहा, एकदम एग्जैक्ट सेम पैनल गैप से। एंड यहाँ पर आप टेक्सचर देख सकते हैं, सॉर्ट ऑफ ग्रेनाइट जैसी फिनिश दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिजी डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये है इसकी सीट्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइड में फुल लेदर पैडेड है। एंड यहाँ पर तीन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सेम रियर सनशेड पावर ऑपरेशंस के साथ। सेंटर में इसमें भी आपको बूट एक्सेस मिल जाता है केबिन से। एंड कुछ इस तरीके से इसका जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है वो है। यहाँ कप होल्डर्स आप देख सकते हैं सेम है एज द कैमरी, लेकिन यहाँ पर कैमरी में आपको जहाँ टच आता था, यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं। एंड इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी आ जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर रियर वेंटिलेशन दोनों ही गाड़ियों में था, कैमरी एंड लेक्सस दोनों में, पर यहाँ पर आपको इसके साथ ही साथ में लेक्सस में आपको मिल जाता है रियर सीट वेंटिलेशन फॉर बोथ द सीट्स, एज वेल एज यहाँ पर आपको सारे मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल। एंड ये जो है स्पेशल सी स्पेस, ये आपको कैमरी में नहीं देखने को मिलती है। यहाँ नीचे पूरा एल्केंटारा फिनिश में किया गया है, तो ये एक एक्स्ट्रा डिटेल है जो आपको कैमरी में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी सेम हाइब्रिड वाला हम्प आ जाता है। एंड यहाँ पर भी आपको पीछे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको वुडन ट्रिम आ जाती है इसके साथ। नीचे यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी मिल जाती है दो फास्ट चार्जिंग के साथ, एंड एक 12 वोल्ट का प्रॉपर सॉकेट मिल जाता है। एंड इसमें भी गाइस बॉस मोड का फंक्शन दिया गया है, सेम स्विचेस हैं यहाँ पर जो आगे वाली सीट को अपन टॉगल कर सकते हैं अगर पीछे ओनर जो बैठा है उसको यहाँ पे ज़्यादा स्पेस निकालनी हो तो। सो अब आते हैं कार के फ्रंट्स में। दोनों ही कार्स में जैसे ही आप पुश बटन दबाते हैं तो वेलकम फीचर आता है, जिससे ये सीट पावर एडजस्टेबल है तो पीछे हो जाती है एंड स्टेयरिंग व्हील ऊपर हो जाता है, आपकी बैठने के लिए सहूलियत हो जाती है। बाकी ये रहा इसके पावर ऑपरेशन के बटन्स। इसका जो सीट है एट वे एडजस्टेबल है, आगे पीछे भी होती है, रिक्लाइन भी होती है, सीट हाइट भी एडजस्ट होती है। ऑल्सो यहाँ पे लंबार सपोर्ट जो है ये भी पावर एडजस्टेबल है। एंड ये है कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट डोर, आइवरी एंड ब्लैक। यहाँ पर आपको सीट के लिए मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं दो, एंड ये मिरर के एडजस्टमेंट्स है, पावर विंडोज एंड सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शन। सो अब आ चुके हैं हम इंटीरियर में ऑफ द कैमरी। सो ये कुछ इस तरीके से कैमरी का स्टीयरिंग व्हील है जो आपके सामने है। मैं एक बार इसको सीधा कर लेता हूँ ताकि आप इसकी डिस्प्ले जो है अच्छे से देख सकें। सो अब ये हाइब्रिड ओनली मोड में चालू हो चुकी है, इंजन चालू है, सॉरी इंजन ऑफ है लेकिन कार ऑन है, ये अभी बैटरी पे चल रही है। सो ये है इसका डिस्प्ले,
एनालॉग आपको यहाँ पर मिल जाता है, सॉर्ट ऑफ रेव काउंटर, रेव नहीं है इस पर, ये जो है इको मोड एंड ये पावर मोड, ये आपका जो थ्रॉटल इनपुट है उस पर जज करता है। एंड जब अपन छोड़ देते हैं थ्रॉटल और ढाल पे होती है गाड़ी तो ये चार्जिंग मोड में चली जाती है। यहाँ पर आपको मैनुअल स्पीडो मिल जाता है एंड सेंटर में आपको इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है। जो ये स्टेयरिंग व्हील है दोस्तों, ये पावर एडजस्टेबल है, तो अगर अपने को इसको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ साइड में इसका स्विच दिया गया है, सेम एज लेक्सस। बाकी यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड, यहाँ पर सारे मीडिया के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से ट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड ये है इसका पावर बटन, एंड कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर है। ये भी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी क्लासी है। ऑल्सो मुझे ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, ये जो फ्लोइंग लाइन्स है, ये मुझे काफ़ी पसंद है टोयोटा की। एंड ये है इसका बेसिक सा सिस्टम, टच स्क्रीन है, काफ़ी इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, यहाँ पर कोई लैग नहीं है कहीं से भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर इसकी जो अंदर की डिस्प्ले है, इसके जो ग्राफिक्स है, ये उतने प्रीमियम नहीं है। एंड इसमें आपको स्पीकर जो आते हैं ये JBL के आ जाते हैं। यहाँ पर इसका 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल है, तो लेफ्ट साइड में अलग है, यहाँ पर अलग है एंड पीछे अलग है, तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ये ऑपरेट कर सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी कुछ इस तरीके के इसके मिरर के कंट्रोल्स हैं। एंड यहाँ सेंट्रल कंसोल की अगर हम बात करें तो, एक सेकेंड मैं डोर्स क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो ये सेंट्रल कंसोल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। ये है इसका शिफ्टर नॉब, जिसमें आप मैन्युअली स्पोर्ट मोड में जाके मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हैं बिटवीन गियर्स। दो कप होल्डर्स हैं विथ एडजस्टेबल ब्रेसेस। तीन ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं यहाँ पे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। एंड ईवी ओनली मोड भी आता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ। ये रहे इसके सीट वेंटिलेशन के लिए बटन्स। एंड आर्म रेस्ट इसका जो है ये ऐसे वर्टिकली खुलता है, तो कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल स्विचेस दिए गए हैं सनरूफ वगैरह के लिए। बाकी अब आप इसका एक बार इंटीरियर देख चुके हैं, तो आपको एक बार लेक्सस दिखाता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से इसकी कीज आ जाती है, टोयोटा कैमरी लिखा हुआ है, लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज के साथ। चलिए अब आपको एक बार लेक्सस का इंटीरियर दिखाता हूँ। सो अब हम आ चुके हैं लेक्सस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अटेंशन टू डिटेल है। इसमें मार्क एंड लेविनसन का साउंड सिस्टम मिलता है, उसमें आपको JBL आता था। एंड मिरर के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, स्विच गियर काफ़ी डिफरेंट यूज़ किया गया है। एंड मटेरियल्स यहाँ पर दूसरे यूज़ किए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर फिनिश मिल जाती है, और लेदर फिनिश के साथ। एंड कुछ इस तरीके से जो है लेक्सस का स्टेयरिंग व्हील आता है। सो गाइस, स्टेयरिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको वुडन फिनिश मिल जाती है टॉप पर भी एंड बॉटम में भी। ये जो डिटेल है कंटिन्यू एक्सटेंड होती है टू द स्टेयरिंग व्हील। एंड ये सॉफ्ट टच है, ऑल लेदर आप स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको सारे मीडिया एंड डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको क्रूज मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स हैं। जो कैमरी थे उसमें प्लास्टिक थे, यहाँ पर मेटल फिनिश के साथ आते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। एंड ये है इसका काफ़ी सुंदर ऑल डिजिटल डैश। ये आपको दिखने में हो सकता है एनालॉग दिख रहा हो, पर ये जो स्क्रीन है ये ऑल डिजिटल है, ये भी पूरी स्क्रीन है। सिर्फ ये जो दो डायल्स हैं ये आपके एनालॉग है, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ये भी एक स्क्रीन है। मैं एक बार बंद करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन है। एंड ये जो सेंटर में स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये लेक्सस की जो सुपर कार आती थी LFA, उसकी टेक्नोलॉजी से ट्रिकल डाउन करके आई है यहाँ पर। इसका एक बार स्टार्टिंग सीक्वेंस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये भी पावर एडजस्टेबल है थ्रू दिस टॉगल। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में एडजस्ट होती है। एंड इसका पावर बटन जो है लेफ्ट साइड पे कैमरी का था, राइट साइड पे नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। राइट साइड में यहाँ पर आपको बूट रिलीज एंड फ्यूल लिड ओपन करने के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ ऊपर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन है। एंड यहाँ से आप मोड्स टॉगल कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड्स हैं ये, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। एंड काफ़ी क्लासी इसका डैशबोर्ड है। मुझे पर्सनली कैमरी का भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है डैशबोर्ड, जो उसकी डिज़ाइन थी वाई एलिमेंट यूज़ किया था, पर मैं ऑब्वियसली डार्क मोड पिक करूँगा ओवर लाइट मोड। ये मुझे ज़्यादा अपील करता है बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल्स, ऑल सॉफ्ट टच। एंड बीच में जो एक गन मेटल फिनिश आ जाती है, स्टेयरिंग व्हील पर भी गन मेटल फिनिश है मल्टीपल जगहों पर, गियर लीवर पर भी यहाँ पर आपको गन मेटल फिनिश है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपील करती है मुझे पर्सनली। सेंट्रल कंसोल की अगर हम बात करें, तो ये जो स्क्रीन है ये उससे ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। एंड इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, ये अभी लेटेस्ट अपडेटेड है, तो ये थोड़ा से बेहतर है उससे, ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा ले रही है तो उस हिसाब से। एंड यहाँ पर काफ़ी क्लासी लेक्सस की क्लॉक मिल जाती है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है एनालॉग क्लॉक्स। एंड यहाँ पर आपको इसका एसी क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये सारे मैनुअल बटन्स दिए गए हैं,
तो वाइल्ड ड्राइविंग अगर आपको इसको टॉगल करना हो तो ये ज़्यादा आसान है। बाकी यहाँ से आप टेम्परेचर जो है टॉगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से ये टॉगल हो रहा है। एंड ये स्विचेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिए गए हैं। बाकी इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है लाइक द कैमरी, तो ड्राइवर अपना एक अलग टेम्परेचर रख सकता है, पैसेंजर अपना अलग रख सकता है, एंड पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं वो एक अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एक अटेंशन टू डिटेल आपको और बताना चाहूँगा, ये जो नॉब है इसका पीछे का डायल है ये अलग टॉगल होता है, ऊपर वाली डायल है ये अलग टॉगल होती है, एंड ये पावर और तो म्यूट सर बटन मैं के जैसे भी फंक्शन करता है। तो ये लेक्सस की अटेंशन टू डिटेल देखिए, इसके बीच में भी लाइट लगा दी गई है यहाँ पर। एंड सेंट्रल कंसोल की बात करने से पहले एक बार आपको कीज दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की लेक्सस की कीज आती है, काफ़ी प्रीमियम दिख रही है। की का डिज़ाइन देखिए, शेप देखिए, कार की जगह जैसे ही काफ़ी रेडिकल डिज़ाइन है। सो सेंट्रल कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन है, एंड यहाँ पर एक छोटा सा कभी स्पेस है फ़ोन रखने के लिए आपके आपकी फ़ोन विथ एलकंटारा फिनिश। एंड यहाँ पर काफ़ी नीटली टकिंग किया गया है USB एंड टाइप सी का पोर्ट। सो ये सिग्नेचर लेक्सस का एक पैनल है। बाकी यहाँ 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं विथ एडजस्टेबल ब्रेसेस, कुछ इस तरीके से इसका शिफ्ट लीवर है। एंड यहाँ पर आप जैसे कैमरे में नोटिस किए थे बेसिक सा पैड था, यहाँ आपको बैकलिट पैड मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी स्पोर्ट मोड है, ईवी मोड, एंड ये हिल होल्ड, यहाँ पर आप वायरलेस चार्जिंग एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये जो आर्म रेस्ट है कैमरे में हमने देखा था वो ऐसे वर्टिकली उठता है, एंड यहाँ पर है ये डुअल एक्सेस वाला है, तो मैं अपने साइड से भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं टाइप सी के 2, एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट। एंड अगर पैसेंजर को एक्सेस करना है तो उसके साइड भी ऐसा ही सिमिलर स्विच दिया गया है, तो वो अपने साइड से भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये डुअल साइड ओपनिंग वाला है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड ये आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर। अगर अपन वाइजर की बात करें तो ये आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगी, वैनिटी मिरर विथ लाइट दोनों ही साइड्स पर। मार्क एंड लेविंसन का सिस्टम है इसमें सराउंड साउंड, तो ऑब्वियसली JBL से ये बेहतर साउंड करता है। थोड़ा सा इसका जो आवाज़ है इसकी क्लैरिटी एंड फुलर ये साउंड करती है। सो ये तो ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से रहेगा ही। सो मैं होप करता हूँ आपको मैं ये दिखा दिया हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पर। बाकी कंक्लूजन से पहले एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, कैमरी में आपको 2 मेमोरी सीट्स के फंक्शन थे, यहाँ पर आपको 3 मिल जाते हैं, तो एक एडिशनल आपको मेमोरी सेट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है लेक्सस के साथ। सो गाइस होप करता हूँ आपको टोयोटा की एक जीनियस स्ट्रैटेजी समझ आई होगी, कैसे टोयोटा मास मार्केट के लिए टोयोटा है एंड प्रीमियम बायर्स के लिए एक प्रीमियम प्लेसमेंट है ब्रांड का लेक्सस। सो डेवलपिंग कंट्रीज में टोयोटा टोयोटा है जहाँ पर डिमांड उसकी ज़्यादा है, एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ लेक्सस का मार्केट प्रेजेंस ज़्यादा है। सो इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश किया हूँ आपको बताने की कि एक्सटीरियर में क्या डिफरेंसेस है बिटवीन द कैमरी एंड IS 300H, ऑल्सो इंटीरियर में हाईलाइट किया हूँ क्या डिफरेंसेस है एंड क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। सो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो ज़रूर एक्स्ट्रा किट मिलती है, पर टेक्निकली दोनों गाड़ियाँ सेम है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो फाइव्स को ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। एंड कोई भी डाउट हो गाड़ी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं इस गाड़ी के बारे में या किसी भी और गाड़ी के बारे में। सो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर अगर रीच आउट करना है तो आप आ सकते हैं @MohitBalani25, वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर आप अपने न्यू न्यू कार ले रहे हो या पुरानी ले रहे हो तो आराम से बात करेंगे। आपसे मिलता हूँ एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। दिस इज मोहित बलानी साइनिंग ऑफ।